हम सब जानते हैं 28 फरवरी को हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था अपने शोध के लिए। सर क्या कहेंगे, ये विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, इसमें बच्चे सब प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या करना है? विज्ञान दिवस तो हर साल हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को, और हर साल कुछ न कुछ एक नया थीम होता है सरकार की ओर से दिया जाता है। इस पर बच्चे अपना एक्टिविटीज़ करते हैं, भाषण देते हैं, क्विज करते हैं, नाटक करते हैं। इस बार चूँकि जो समस्या है पॉल्यूशन का, पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति है, इसको देखते हुए सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना बनाई है, और सरकार चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों में वो इस पर मंथन करें कि जल और हरियाली मेरे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसी थीम को लेकर इस बार विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। इसमें अभी जैसे आपने सुना कि 3 प्रोग्राम हैं, क्विज होना है, निबंध प्रतियोगिता हो गया है और क्विज भी हो गया जिला स्तर पर, और ये लोकेशन था जिससे जिला स्तर पर बच्चे चुन के आए हैं। यहाँ से प्रमुख स्तर चुनाएंगे, बच्चे बिहार जाएंगे पटना, और वहाँ विज्ञान दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली का अपना निबंध प्रस्तुत करेंगे। क्या कहेंगे सर आज विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में? आज का समारोह मनाया जा रहा है जिसमें प्रमंडल स्तर पर जो छात्र चुन के आए हैं, जिला स्तर पर जो चुन के आए हैं, उनका आज वक्तृत्व का उनका प्रदर्शन है, और उसमें जो सेलेक्ट होंगे वो बिहार स्तर पर जाएंगे। हम लोग उनका आकलन करेंगे किस तरीके का उनका तैयारी है उनकी, और ये हर साल जैसा कि कहा गया कि हर साल ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन भारत के एक तरह से पहले और अभी तक के अंतिम भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक, तो उनका रमन इफेक्ट सामने आया था 28 फरवरी को, और उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है।